हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडीज कॉल एंड इट्स टाइम टू डिस्कस द डेली न्यूज विद अस सो सो लेट्स गेट स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूज़ इज अबाउट एमजी नरेगा सो वील स्टार्ट विद एमजी नरेगा स्टैंड किस पे करता है सो एमजी नरेगा बेसिकली स्टैंड्स फॉर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट दैट इज नोन एज एम नरेगा इन शॉर्ट फॉर्म ये क्या है आपका दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम इन द वर्ल्ड लॉन्च इन विच ईयर ईयर इंपॉर्टेंट है 2005 में लॉन्च हुआ है डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे एंड मिनिस्ट्री रिलेटेड टू इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट

सो दैट इज वेरी इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियली स्टेबल रहते हैं तो अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं ओके नेक्स्ट थिंग इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करने से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है यू मस्ट हैड एंड एमटी माइंड इजल्स वर्कशॉप एक खाली दिमाग एक शैतान का घर होता है सो इट कीप्स दैम ऑक्युपाइड सो इससे आपके जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना वो भी उसका रेट भी काफी कम हो जाता है बिकॉज दे आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड विद वर्क ओके सो दिस इज वाई दिस हैज नो पॉजिटिव लॉर्ड ऑफ पॉजिटिव्स। नेक्स्ट थिंग याद रखनी है आपको कि एटलीस्ट यहाँ पे वन थर्ड ऑफ द बेनिफिशरीज हैव टू बी वुमेन सो वुमेन को यहाँ पर इन्होंने रिजर्वेशन दी रखी है नेक्स्ट थिंग आपकी आ जाती है एम जी नरेगा में देखो एक और प्लस पॉइंट जो इनका है अगर फिफ्टीन डेज में जब एक वर्कर जाता है दे वॉन्ट वर्क एंड विद इन फिफ्टीन डेज अगर वो नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं सो दे ऑल्सो प्रोवाइड यू विद्प्लॉयमेंट अलाउंस ओके सो दिस इज ऑल्सो गुड यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या होती है आपकी इस बेसिकली uh, इस पूरी स्कीम में मेन प्रॉब्लम है करप्शन की विच यू सी। अब ये न्यूज में क्यों है वट है कि यहाँ पर सेंटर ने ना इसको काफी यू नो गारंटी कर रखी है कि आपको सोशल ऑडिट्स कंडक्ट कराने पड़ेंगे सो ये स्टेट का काम है

बट क्या हुआ है सैड थिंग है हमारी थर्टी फोर जो स्टेट्स हैं उसमें से ओनली सिक्स स्टेट्स ने ये कराने का ट्राई किया है ट्राई ही कह सकते हैं क्योंकि कंप्लीटली तो सिर्फ एक ही स्टेट करा पाई है दैट इज केरला केरला ने हंड्रेड परसेंट कवर किया है एंड अदर स्टेट्स आपकी लाइक करती हैं फिफ्टी फोर्टी सिक्सटी पे परसेंटेज पे सो दैट इज वेरी सैड ओके सो माई क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू है इज एज वोक यूथ ऑफ दिस नेशन आई वॉन्ट टू आस्क यू की प्रॉब्लम तो हमें पता है प्रॉब्लम इज करप्शन दैट आई हैव टोल्ड यू बट वॉट डू यू थिंक शुड बी द सोल्यूशन है ये जो सोल्यूशन क्या हो सकता है आपके क्या आइडियाज़ है यू मैंशन एड डाउन इन द गवर्नमेंट सेक्शन आई ईगर टू नो कि आप लोग क्या सोचते हो इसके बारे में ओके वील मूव फॉर्वर्ड टू द नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट डब्ल्यू एच ओ सो पहले हम थोड़ा सा डब्ल्यू एच ओ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं सो आर आइडिया हैर इज की हम स्टैटिक का आपका थोड़ा सा रिविजन कराते जाए विथ करंट अफेयर ओके सो फर्स्टली WHO World Health वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ओके इट्स अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ योर यूनाइटेड नेशन ओके इट वॉज फाउंडेड इन विच इज इंपॉर्टेंट नाइन फोर्टी एट में फाउंड हुई है नेक्स्ट थिंग हेडक्वार्ट है आपके जिनीवा स्विट्जरलैंड में एक शॉर्ट ट्रिक यहां पे याद रखना मोस्टली क्या होता है जो ये यू एन की जो एजेंसीज होती हैं ओके ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या होता है जो बहुत ज्यादा फूड से आपने देखा होगा जो फूड से या हेल्थ से रिलेट करती हैं जो मोस्टली आपके जीने से रिलेट करती हैं ओके उनका आपका हेडक्वार्टर जनीवा स्विट्जरलैंड में होता है ओके दिस इज अ शॉर्ट ट्रिक इट काइंड ऑफ अपलाइज सम प्लेसेसम प्लेस

अब हमारा जो डब्ल्यू एच ओ है ये भी काफी बोक हो गया है काफी एक्टिव हो गया है ये अब इन्होंने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया है चाइना को तो इस चाइना में निमोनिया के केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं एंड मोस्टली चिल्ड्रन में यू कुड सी दैट निमोनिया के केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं सो डब्ल्यू एच इज एक्टिवली आस्किंग दैम क्वेश्चन की आप मोर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो अबाउट दिस डिजीज सो दैट एक और पैंडमिक ना देखना पड़े हमें

Next uh, news is about Fatima Bibi. Okay, it's a sad news. She recently passed away. So, in her about important facts. We will discuss that. Okay, firstly, uh, when did she became the judge in High Court? Okay, so remember the year here, 1983. Mein, she became a judge in High Court. 1989, mein, she was appointed as a judge of Supreme Court. So, this is also important. She was the first Muslim judge to be appointed to any higher judiciary in India. देन किस स्टेट की गवर्नर बनी थी ये इंपॉर्टेंट है तमिलनाडु की बनी थी किस ईयर में 1997 टू तो 2001 तक ओके okay? अब एक क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए या जो मुझे लगा था ठीक है आंसर इट ऑनेस्टली डिड यू नो बिफोर दिस न्यूज दैट शी एग्जिस्टेड और शी वीज स्टिल लिविंग ओके ये क्वेश्चन आया आपको पता था कि वो अभी तक जीवित है ये आपको पता था या नहीं पता था ठीक है इट वाज अ वेरी पिक्यूलर क्वेश्चन बिकॉज आई डोंट शी वी स्टिल नेक्स्ट थिंग इससे क्या माइंड में और आता है कि वुमेन के अभी देखो जो रिप्रेजेंटेशन है जुडिस्ट्री में क्या वो काफी ज्यादा कम नहीं है इट जस्ट इलेवन परसेंट ओके आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ जजेस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट काफी कम है और एट परसेंट है सिर्फ हाई कोर्ट लेवल पे ओके सो दिस इज वेरी वेरी लेस द थिंक हेयर कम्स इज लाइक कि वहां पर भी वुमेन की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी और बढ़नी नहीं चाहिए शुड बी इन पैरिटी विद द मैन बिकॉज देन वॉट हैपेन्स इफ दे आर नॉट लॉट ऑफ वुमेन देन वुमेन रिलेटेड केसेज में भी शायद से यू नो कुड बी डिसडवाटेज फॉर वुमेन वॉट डू यू थिंक अबाउट इट कि आपको क्या लगता है ठीक है हम डिस्कस करेंगे कमेंट सेक्शन में लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट न्यूज नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट एआई रेगुलेटर सो अब ये चीज आई है कि जैसे आप ए के काफ़ी ज़्यादा केसेस देख रहे होंगे लाइक डीप फेक का काफ़ी ज़्यादा केस चल रहा है अभी रिसेंट में ओके सो ए आई हैज़ अ लॉर्ड ऑफ बेनिफिट्स बट उसके काफ़ी डिसएडवांटेजेस भी हैं सो so, वहाँ पे नीड है आपके एक रेगुलेटर की ओके okay? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सो so, इसी पे बात की गई है कि जैसे सेबी है आपका इसी तरीके से ए की फील्ड में भी एक रेगुलेटर होना चाहिए वी कुड वी शुड नॉट वेट कि ये कैसे प्रोग्रेस करेगा एंड वी शुड नॉट जस्ट सिट स्टिल यहाँ पे बैठे नहीं रहना चाहिए कि ए कैसे आगे बढ़ेगा तो but we need to be proactive and उस हिसाब से रेगुलेशन बताए बट वी नीड टू बी प्रो एक्टिव एंड उस पर रेगुलेशन बनानी स्टार्ट कर देनी चाहिए सो so दैट जैसे जैसे एआई आपका इवॉल्व करता जाएगा ओके okay, या ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे वो रेगुलेशन भी इवॉल्व और ग्रो करती जाएगी उसके साथ ओके okay? यहाँ पर हम थोड़ा सा सेबी के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं सिंस दिंग कम ओके सो सेबी आपकी एक स्टैचूटरी बॉडी है इट वाज इस्टिश इन विच ईयर दैट इज इंपॉर्टेंट ईयर है आपका 1992 में स्टैब्लिश हुई थी एंड इट वाज अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में जो आया था उस एक्ट के बेसिस पे ये फॉर्म हुई थी ओके बेसिक फंक्शंस क्या हैं आपकी सेबी के दैट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट एंड रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट ओके सो आपके स्टॉक्स मार्केट को रेगुलेट uh, करना uh, ये बेसिक दो आपको फंक्शन ओके इन्वेस्टर्स के राइट्स को बचा के रखना प्रोटेक्ट करके रखना वो एंड इसका इसका पर है इसका है मुंबई में मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट खेलो इंडिया पैरा गेम्स अब ये कंडक्ट होने वाले हैं आपके डिसंबर टेंथ टू सेवनटीन पर होंगे न्यू डेली में कैपिटल में होने वाले हैं सो दिस इज इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखना कि अभी जो आपके हंगजू चाइना में जो पैरा एशियन गेम्स हुए थे उसमें इंडिया ने कितने मेडल्स विन किए थे ट्रिपल वन दैट इज हंड्रेड एंड एलेवन मेडल्स लेके आई थी इंडिया वेरी प्राउड ओके नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट आर्चर का नाम याद रखना यहाँ पे मेंशन किया गया है आर्चर शीतल देवी ओके हर यू नो द स्पोर्ट शी इज रिलेटेड टू शी इज रिलेटेड टू आर्चरी इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका ओके okay? नेक्स्ट थिंग ये खेलो इंडिया गेम्स जो है कब स्टार्ट हुए थे इट स्टार्ट इन ईयर और तब से आपके पांच खेलो इंडिया यूथ गेम्स कंडक्ट हो चुके हैं थ्री खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हो चुके हैं एंड थ्री खेलो इंडिया विंटर गेम्स कंडक्ट हो चुके हैं ओके okay? आप ये भी पढ़ सकते हो कि कौन से कौन से गेम्स इस बार फीचर करेंगे एथलेटिक्स शूटिंग आर्चरी फुटबॉल बैडमिंटन टेबल टेनिस एंड वेट लिफ्टिंग होने वाले हैं और कहाँ पर होने वाले हैं नेहरू स्टेडियम इंदिरा गांधी स्टेडियम एंड डॉक्टर कार्नी सिंह शूटिंग रेंज यू कुड गो देयर वॉच इट नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट योर स्पोर्ट्स न्यूज स्पोर्ट्स कोटा पे थोड़ी सी न्यूज है ओके सो वेलवान सेंधी कुमार एंड अन्नाहत सिंह

री we'll सो so, आज के पांच इम्पोर्टेंट वर्ड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं टॉप वर्ड्स वर्ड इज रेकरेंट जो बार बार होती है ओके क्लस्टर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लांट्स और थिंग्स दैट स्टैंड टूगेदर ग्रो टूगेदर यू कुड सी क्लस्टर ऑफ पीपलिंग देर क्लस्टर मतलब बहुत सारी चीजें साथ में जब ग्रो करे या क्लस्टर ऑफ प्लांट दैट ग्रो टुगेदर देखा होगा ना अपने फ्लावर्स बहुत सारे एक साथ ग्रो करने लग जाते हैं करेक्टली स्पेशली इन द प्रोपोर्शन ऑफ पेशेंट्स बायोलॉजी में यूज करते हैं बेसिकली कि जब आप कोई चीज नहीं डायग्नोज या कुछ चीज uh, कोई डिजीज नहीं रिकग्नाइज कर पाते हो प्रॉपर्ली नेक्स्ट वर्ड का स्ट्रेन स्ट्रेन आपने फिजिक्स में पड़ा होगा फिजिक्स में स्ट्रेस स्ट्रेन वाला स्ट्रेन नहीं है ये ये बायो वाला स्ट्रेन है आपका स्ट्रेन बेसिकली जेनेटिक वेरियंट और सब टाइप और अ कल्चर विद इन अ बायोलॉजिकल स्पीशी, ओके इसी बायोलॉजिकल स्पीशी का कोई जेनेटिक वेरियंट कोई और जेनेटिक वेरियंट जिस स्ट्रेन की हम चाइना में बात कर रहे थे कि नए वेरियंट्स तो नहीं आते या नए कोविड के वेरियंट्स जैसे आते हैं आपके उससे रिलेट कर लो आप उसी को स्ट्रीन भी कह सकते हैं आप नेक्स्ट वीडियंस को ओके इवोल्व इज टू डेवलप टू डेवलप और टू मेक समथिंग डेवलप ग्रेजुअली सिंपली इवोल्व करना मतलब बेसिकली आप जब डेवलप करते हो ठीक है धीरे धीरे डेवलप कर रहे हो या धीरे धीरे आप इवोल्व कर रहे हो यू कूड यूज आट ओके विदाउट वील एंड द सेशन हेयर आई होप यू लाइक दिस इफ यू डिड सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड इफ यू वॉन्ट द पी डी एफ ऑफ दिस वन ओके यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल थैंक यू फॉर वॉचिंग